दोस्तों नमस्कार, एक और नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप फिश फार्मिंग करना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अपने फार्म पर जो आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है, उसमें आपको कभी कभी हर 15 से या 20 दिनों में आपको अपने पानी में, तालाब में चूने का छिड़काव भी करना है, जिससे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाएँ, हानिकारक बैक्टीरिया। और अगर आपका जो फाइटोप्लांकटन्स और जू प्लांकटन्स हैं, इनका ज़्यादा ब्लूम ना हो पाए, या कुल मिला के एक एहतियाती तौर पर आप इसे एज ए मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं चूने को, साथ ही चूने में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है जो आपकी मछलियों की ग्रोथ को काफ़ी इन्हेंस करता है, प्रमोट करता है, तो आपको चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसी वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने तालाब में चूने का छिड़काव करना है। तो आइए अब देखते हैं उसको। बाल्टी में भर देंगे और फिर इसका छिड़काव पूरे तालाब में कर देंगे। तो आप ऐसे चला लीजिए, और आप छिड़काव सिर्फ तभी कीजिए जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि अब इसका जो रिएक्शन है, जैसे ये वही उबल रहा था आपने वीडियो में देखा होगा, तो ये उबलना जब बंद हो जाए तभी आप इसे याद रखेंगे छिड़काव कर देंगे। और खड़ा चूना ही आपको यूज़ करना है, जल्दी से मिलता नहीं है हालांकि बाज़ार में खड़ा चूना, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा। इसको हम भर लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा ही सा भर के, इस प्रकार से आपको